दिस वेलकम बैक टू चैनल आपको ये मेरे बाल कैसे लग रहा है पहले तो मुझे ये बताओ फटाफट फट्ट से बताओ कमेंट करके बताओ यू नो व्हाट मेरे बाल ना कलर्ड हैं मैंने एटलीस्ट दो बार तो कलर कराए हैं बालों में जिसके वजह से इतने ढेर सारे केमिकल लगते हैं और धीरे धीरे क्या होता है ना बाल डैमेज आते हैं उनका नेचुरल जो प्रोटीन होता है ना वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है जिसकी वजह से उतने डल और फ्रीजी से लगने लगते हैं अगर उतना आप केयर नहीं कर पा रहे हो टाइम टाइम पे आप हेयर स्पा नहीं करा पा रहे हो या उतना बहुत अपने लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा बिजी हो और उस लेवल का केयर नहीं कर पा रहे हो ना तो वो और फ्रीज़ी होने लगते हैं टूटने लगते हैं डैमेज होने लगते हैं तो मेरे बालों का भी लगभग लगभग वही हाल था इतने कलर वगैरह और केमिकल वगैरह की वजह से बहुत फ्रीज़ी लग रहे थे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है फ्रीज़ी है और स्पेशली जब मुझे कुछ रिकॉर्ड करना है तैयार होना है तो मुझे बहुत टाइम लग जाता है अपने बाल को मैनेज करने में क्योंकि मुझे उनको शॉर्ट भी नहीं कराना है मुझे लेंथ भी चाहिए और ऐसा कई लोगों के साथ होता होगा ना कि तैयार आप हो गए और कहीं पार्टी में जाना है और सबसे ज़्यादा टाइम टेकन होता है कि मुझे हेयर स्टाइल क्या बनाना है बालों का क्या करना है तो अगर आपको इस तरीके के हेयर मिले जो एकदम स्मूथ शाइनिंग और एकदम मतलब प्रोटीन से भरे हुए हेयर हों तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है फटाफट स्कोम किया और बस आप चले जा सकते हैं कुछ भी हेयर स्टाइल एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं क्योंकि ऐसे ही बहुत प्रिटी लगते हैं तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं अपने बालों को थोड़ा सा केयर करूँ और केयर करने के लिए मैंने इस बार कराया है कैरा स्मूथनिंग ये वर्ड आप लोगों के लिए पता नहीं नया है कि आ, आप पहले भी सुन चुके हैं या करवा चुके हैं मेरे लिए ना बहुत नया था एक्चुअली क्या है मुझे अपने बालों में स्मूथनिंग नहीं करानी थी प्रॉपर स्मूथनिंग नहीं करानी थी क्योंकि मुझे एकदम स्ट्रेट मतलब टॉप टू बॉटम तक एकदम स्ट्रेट बाल नहीं चाहिए अगर कभी मैं कर्ल करना चाहूँ तो कर्ल भी हो जाए अगर मैं उसको रोल करना चाहूँ तो रोल भी हो जाए मुझे ऐसा चाहिए था कि स्ट्रेट हों बट उतने स्ट्रेट ना हो कि बस हंड्रेड परसेंट एकदम टॉप टू बॉटम स्ट्रेट हो और मैं ये भी चाहती थी कि उसमें शाइन वापस आ जाए जितना भी प्रोटीन और डैमेज है वो सब वापस हो जाए तो मैंने कराया है कैरा स्मूथनिंग और कैरा स्मूथनिंग का मतलब ये है कि आपके बालों में सबसे पहले किया जाएगा स्मूथनिंग और स्मूथनिंग जो होगा वो बहुत हार्ड नहीं होगा सॉफ्ट नहीं होगा और जिसकी वजह से ना ये जो बाउंडिंग होती है हमारे बालों की ये जो वेवीनेस होता है ना वो ब्रेक हो जाता है जिसकी वजह से आपके बाल एकदम एक लेवल के हो जाएंगे उसके बाद स्मूथनिंग के बाद आपके बालों में लगता है कैरेटिन प्रॉपर प्रोटीन एक अच्छे अमाउंट में जब कैरेटिन आपके बालों में जाता है वो अच्छे से अंदर तक एब्जॉर्व होता है तब आपके बालों को प्रॉपर ये लुक मिलता है मतलब इन शॉर्ट आप समझिए तो स्मूथनिंग प्लस कैरेटीन को कैरा स्मूथनिंग कहते हैं और मैं ये कैरा स्मूथनिंग करा रही हूँ अपने फेवरेट सैलून में जो कि लखनऊ के पिकनिक्स मॉल के जस्ट सामने है और वहाँ पे जाके आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं अगर आप भी चाहते हैं मेरे जैसे एकदम हेल्दी शाइनिंग और सिल्की बाल पहले मैं आपको ना इसका स्टेप बता देती हूँ सबसे पहले इन्होंने क्या किया ना मेरे जो भी हेयर थे आप कैसे भी आओगे ना तो आपको पहले हेयर वॉश करना होगा तो इन्होंने अमेजोन के शैम्पू से इन्होंने हेयर वॉश किया जो भी प्रोडक्ट इन्होंने यूज़ किया मेरे बालों पर एकदम तो बहुत ही कमाल के ब्रांड का है तो उससे डैमेजेस ना बहुत कम हो जाते हैं दूसरी चीज़ इन्होंने क्या किया हेयर वॉश किया फिर उसको ब्लो ड्राई किया ब्लो ड्राई करने के बाद सबसे पहले उन्होंने स्मूथनिंग क्रीम मेरे बालों में लगाई स्मूथिंग क्रीम लगाने के बाद ना काफ़ी टाइम तक उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद फिर वो क्या करते हैं उसको वॉश करते हैं वॉश करने के बाद अगेन उसको ब्लो ड्राई करते हैं ब्लो ड्राई करने के बाद वो लोग यूज करते हैं इसमें कैरेटिन और इन्होंने अमेज़ोन का ग्रैप्स कैरेटर मेरे बालों में यूज़ किया है इसको यूज़ करने के बाद काफ़ी टाइम तक इन्होंने अच्छे तरीके से कोम करके उसको छोड़ दिया था कुछ टाइम के बाद फिर उन्होंने आगे का प्रोसेस किया यहाँ पे मेरी सिस्टर रिकॉर्डिंग कर रही है और उसने थोड़ा सा एक लुक पूरे इस सैलून से का भी लिया था इनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं अगर आपको अपने हेयर के अकॉर्डिंगली या ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंगली शैम्पू या कंडीशनर या मास्क भी चाहिए तो आप यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा एक लुक है इस सैलून का इनके पास अच्छे अच्छे टेक्निक है अच्छे अच्छे डिग्रियाँ हैं डिप्लोमा है तो ये बहुत अच्छी बात है आप कभी भी इस तरह के ट्रीटमेंट कराइए और इतना बड़ा एक्सपेंसेस वाले ट्रीटमेंट अगर आपने बालों पर करवा रहे हैं ना तो आप ब्रांडेड ही कराइए और दूसरा एक एक प्रॉपर एक्सपीरियंस इंसान से कराइए कभी भी खुद से करने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि जो लोग सैलून में जिस तरीके से टेक्निक यूज़ करते हैं जिस तरीके से काम करते हैं उनको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होता है केमिकल तो हम भी जाके बॉक्स खरीद के ला सकते हैं मार्केट से खुद अप्लाई कर सकते हैं बट ये केमिकल लगाने का एक तरीका होता है जो हम आप ऐसे जनरली नहीं समझ सकते हैं हमारी थोड़ी गलती की वजह से थोड़ा पैसा बचाने के चक्कर में ना हम प्रॉपर अपने बालों को डैमेज कर देते हैं तो बेस्ट चीज़ है कि आप किसी एक्सपर्ट से ट्रीटमेंट कराइए सेकेंड बेस्ट चीज़ ये है कि आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर भी आपको सारे ऑप्शन मिलेगा टॉप वन टू टेन तक के आपको बहुत सारे ब्रांड मिलेंगे तो आपको वो ब्रांड चूज करना चाहिए जो उनके अकॉर्डिंगली अच्छा होता है और वो आप अपना बजट बताइए आपके बजट के हिसाब से वो आपको ब्रांड बताएंगे उस ब्रांड के प्रोडक्ट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी डैमेजेस कम होते हैं ये यहाँ पे इन्होंने आ, मेरे बालों में अब यहाँ पे प्रॉपर कैरेटिन अप्लाई हो रहा है थोड़े थोड़े से बाल लेके प्रॉपर तरीके से कैरेटिन लगा के उसको एक एक बाल में एक एक बाल में अच्छे से अब्जॉर्व कराया जाता है कोम कर करके कर करके टॉप टू बॉटम उस केमिकल को लगाया जाता है आप ध्यान दो ना, रूट्स पर किसी भी केमिकल को अप्लाई नहीं कर रहा है रूट्स का आ, हाफ इंच तक का एरिया होता है उसको छोड़ देते हैं एकदम रूट्स पे नहीं लगाते हैं सिर्फ हेयर हेयर पे ही केमिकल लगाते हैं इसके बाद इन्होंने बालों को अच्छे तरीके से कोम किया कोम करने के बाद ब्लू ड्राई किया और ब्लू ड्राई करने के बाद आइनिंग की जब आइनिंग की ना मैंने इनको समझा कि आइनिंग करने का मतलब है इन्होंने उस कैरेटिन को अच्छे तरीके से अंदर तक एब्जॉर्ब कराया है ये आप देख रहे हो ना ये जो थोड़ा सा आ, अजीब सा धुंधला धुला सा दिख रहा है आपको ये एक्चुअली में कैरेटिन है और कैरेटिन लगाने के बाद अच्छे से जब आइनिंग करते हो आप ना तो बालों में अंदर तक एब्जॉर्ब होता है और दो दिनों के बाद नेक्स्ट स्टेप की ट्रीटमेंट होती है यानी कि ये जो ट्रीटमेंट है सेवेंटी परसेंट है और सेवेंटी परसेंट के बाद इसका ये रिजल्ट है दो दिनों तक बालों को स्ट्रेट छोड़ना होता है और बहुत उसमें अगर आप रबड़ बैंड वगैरह नहीं लगा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है उसके बाद दो दिनों के बाद मैं अगेन यहाँ पर आई और अगेन आने के बाद इन्होंने फिर से आइनिंग की और आइनिंग करने के बाद फिर इन्होंने हेयर वॉश कराया अमेजोन के शैम्पू से सेम शैम्पू इन्होंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था सेकंड टाइम यूज़ किया था वही लास्ट टाइम भी यूज़ किया यूज़ करने के बाद फिर इन्होंने ब्लो ड्राई किया और ब्लो ड्राई करने के बाद अब आइनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी तो ओवरऑल ये पूरा ट्रीटमेंट जो है ना ये दो स्टेप में होता है दो दिन के बाद फर्स्ट ट्रीटमेंट के बाद दो दिन के बाद अगर आप आते हो तो फिर से आपको सेकेंड स्टेप कंप्लीट होता है फिर उसके बाद तो वो सजेस्ट करते हैं कि आपको कौन सा शैम्पू या कंडीशनर यूज़ करना चाहिए या मास्क यूज़ करना चाहिए अगर आप उसको ही कंटिन्यू करोगे ना तो ये काफ़ी टाइम तक ऐसे स्टे करेगा मतलब अगर मैंने ये स्मूथनिंग और कैरेटिन कराया है तो ये आप समझिए कि सेवन एट मंथ तक मेरे बालों के लिए अब मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप इस सैलून में विजिट कर सकते हैं और इसका पूरा पूरा डिटेल जो कुछ मुझे मिल जाएगा मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी ऐसे मेरी वीडियो को पसंद करते रहिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलते हैं बाय